बताओ टफी, व्हाई डिड यू फाड़िंग माय मास्क? बताओ टफी, बताओ, इधर इधर चेहरा तो दिखाओ। बताओ क्यों? पिछले 10-11 दिन में पहली बार ऐसा हुआ कि आज विकास और सुप्ते हमारे साथ नहीं है। आई एम एक्चुअली मिसिंग देम, सो हियर द थिंग इज कि दे आर आउट फॉर सम चेकअप, सो सम रेगुलर डॉक्टर विजिट आर यू नो, सो यू नो जूस भी आ गया। एक्चुअली यू नो थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, जिंदगी की यही रीत है, यू नो। हाँ दिन कभी कुछ आए कभी कुछ ना आए। एनीवेज गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडर्स इन योर लाइफ बाय इग्नोरिंग नेगेटिविटी एंड बाय एक्सेप्टिंग पॉजिटिविटी एंड बाय बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ। सो दिस इज 25th ऑफ जनवरी, मंडे इट इज, एंड द टेंपरेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस, इट्स फेयर। सो यो, लेट अस कंटिन्यू। जूस और जैम ऐड हो गया। तो टफी का घूम के आ गया, हो गया, और अभी एक कारी पे निकल गया भाई। तो टफी ने हमारे HRX वाले मास्क के साथ बुरा बर्ताव किया। चलो कोई बात नहीं, ब्रूनो गए अपने के साथ, क्या बात है, किक करके गया। नहीं ब्रूनो इधर है, मुझे लगा ओके। ये टफी, टफी सुनो सुनो सुनो, टफी टफी क्यों बदमाशी किया तुमने कल, बताओ मुझे। बताओ टफी, पहले बताइए कि क्यों किया आपने, बताओ टफी, व्हाई डिड यू फाड़िंग माय मास्क? बताओ टफी, बताओ, इधर इधर चेहरा तो दिखाओ। बताओ क्यों किया ऐसे, पहले बताओ, अरे बताओ टफी, बताओ क्यों किया, क्यों क्यों क्यों? चल तुझे माफ किया मैंने। डन, 100% मार्क्स। Bring the funk back. अरे बेटा, ओवर द मून मूवी का नाम है। देखो, ओवर द मून मूवी का नाम है, ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या है, एक OTT प्लेटफॉर्म है, तो ओवर द मून बाय नेटफ्लिक्स नहीं। गाने का नाम हमने क्या देखा था, अल्ट्रा लुमिनरी। तो अल्ट्रा लुमिनरी फ्रॉम ओवर द मून, तो बोलो ओके गूगल प्ले अल्ट्रा लुमिनरी फ्रॉम ओवर द मून। प्लेइंग द एल्बम अल्ट्रा लुमिनरी फ्रॉम द नेटफ्लिक्स फिल्म ओवर द मून ऑन जियो सावन। ओके गूगल, वॉल्यूम 5। ओके गूगल, प्ले द नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम। So
सो कसा का है भाई लोग बहन लोग और क्या बोलते हैं रे बाबा। तो बेसिकली दिस इज समथिंग विच आई डोंट लाइक। अब ऐसा लग रहा है ये घड़ी को बदलना होगा, इसको सिंक होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। और अब जो नया वाला आई वॉच आया वो EMS सिस्टम है, मतलब वो सेलुलर पे भी चलता है तो वेदर वगैरह का उसमें इशू नहीं होगा, क्योंकि कॉल और मैसेजेस को भी वो जो है मतलब यू नो फ़ोन के बिना चला सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काफ़ी ज़माने के बाद मैं जो है ऐसा शूज़ पहन के गाड़ी चला रहा हूँ, यूजुअली आई डोंट। सो हर हर महादेव। सो अभी चला जाए रे बाबा। हर हर महादेव इज़ बेसिकली हमारा सिग्नेचर स्टाइल है, मतलब हम जिनसे भी मिलते हैं हर हर महादेव बोलते हैं और सब लोग हमसे मिलके भी हर हर महादेव बोलते हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे भी ईश्वर के अलावा और है क्या इस दुनिया में, बता बता बाबा लो। और ये मैं क्या देख रहा हूँ, हमें गियर शिफ्ट में थोड़ा सा जो है थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। Okay, so we have one new sitar here in the house. और हमारे कारपेंटर लोग पता नहीं किधर गायब हो गए भाई, बोल दिए निकाल दिए ये इनको इस जनाब को और अभी तक बनाने के लिए आए नहीं। What is this यार, unbelievable। तो भाई मैं जो है अपने कार को फिफ्थ फ्लोर पे पार्क करता हूँ। अश्विक ने अपने इको स्पोर्ट को देखो कितने पार्क किया, 0 floor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 floor, 1 rate, 25, 30, 500, 500, कार के अंदर एसी होता है, ये चाहता है कि इसके कार के बाहर भी एसी रहे। और ऐश्वर्या जी अंगड़ाई ले रही है उधर, और ये जनाब को बहुत भयंकर सा टास्क मिला हुआ है। इसका दिमाग ऐसा पजल हो रहा है। सो ऑलराइट गाइस, पहली बार हम जो है थोड़ा बैकड्रॉप के साथ फोटो शूट कर रहे हैं अपने जिंदगी में। हालांकि फोटो शूट स्टूडियो अपना अपने पास है कितने दिनों से, लेकिन अब ये देखो कुछ ना कुछ तो पैंतरेबाजी चल रहा है इस कैमरे में। तो बेसिकली पिछला जो फोटो शूट हुआ था उसमें क्या हो गया कि पिक्सलेट हो गया फोटो, तो फोटोज अच्छा आया था, लेकिन हमारे लव भाई ने जो हमारा क्रिएटिव काम करते हैं आर्ट डायरेक्ट आर्ट वर्क जो पोस्टर वगैरह जो डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने बोला कि सर आपको ऐसा वाइट बैकड्रॉप लगाने का और फिर फोटोशूट करके भेजने का। तो अभी फोटोशूट हो रहा है, ये हमारे जनाब यज्ञ भाई आज करेंगे। हमने इनको पूछा कि आपको सर आता है क्या फोटो शूट, मतलब फोटो लेना, तो उन्होंने बोला कि यूजिंग DSLR। अब जो यूज़ कर रहे हैं मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें देखो इतने सारे सेटिंग्स होते हैं ना, ये देखो इसमें कौन कौन सा मोड होता है। आई गेस A+ पे हमें रखने बताया था सुदेश जी ने, ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ सो इज़ अ DOP, ही वर्क्स इन स्टार प्लस एंड ऑल द स्टफ। बट उस दिन शायद हम लोगों ने हिला दिया था, उसके वजह से कुछ तो गड़बड़ हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी चलो आए आपके गेट रेडी एंड बस किचिक 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 किचिक। अच्छा वो चीज़ से क्या होता है, वो ऐसा घुमा के क्या बात है, कितना सारा चीज़ है यार, तो हद हो गई। तो बाबा सोलफुल क्लिक्स एंड क्लिप्स को फॉर्म किए हुए इतने दिन हो गए और मेरा फोटोशूट पहली बार हो रहा है, क्या बात है। हमारे पहले गाने का आई एम सो थैंकफुल टू हमारा यज्ञ भाई, अद्भुत। तो पिक्सलेट हो रहा था कुछ तो सीन था, मतलब उसमें कौन से जगह पे रखना था, लेकिन वो चीज़ अभी हो गया डन। यज्ञ वांट टू से समथिंग। सो ऑलराइट गाइस, हमारे पांडे जी आए हैं। GKK2 किट जो है इसका लाइट ब्लिंक हो रहा था, बदल दिया गया। एक्चुअली कल परसों ही लाइट ब्लिंक हुआ, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए, या आज अभी हम लोग डिसीजन लिए बाद में कि 10-15 दिन और चल सकता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, GKK2 इज चेंज और हमारा फोटोशूट भी हो गया। ये देखो एक्चुअली बहुत ही गरीब सेटअप है, मतलब मैं क्या बोलूँ टेक्निकली, ज़रा इसको अपग्रेड करना होगा। दिस डजंट मैच माई स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग। राजीव जी से थोड़ा बात करना होगा कि भाई क्यों इतनी गरीबी, क्यों भाई किस विषय में इतनी गरीबी शुरू हो गई भाई, ऐसा क्या लाले पड़ गए भाई। चलो कोई बात नहीं है। Cheers. So, आज जो है हमें इधर आना पड़ा 2 बजे, एक तो खाना खाने के लिए, खाना खाना तो फिर भी चलो बहुत बड़ा वजह नहीं है।
एक्वा गार्ड वाले आए हैं, तो बेसिकली कुछ जो डिवाइस है वो बदलने वाला है, तो अभी अपने को बस खाना खाने का और शायद भागने का, या तो मौसी जाएंगे, मौसी उधर जाके करा के आएंगे, ब्लॉग भी मौसी ही करेंगे, ब्लॉग मौसी करेंगे। खाने में बड़ा इंडियन ऑथेंटिक फूड है। दिखा रहा ये रहा चावल, ये रहा दाल, ये रहा सब्जी, ये रहा रोटी और ये रहा और एक सब्जी। यस, और एक सब्जी आ रहा है अंदर। ओह माय गॉड, और भी है। वो तो सुक्ति का स्पेशल सब्जी है। एंड ये सुक्ति स्पेशल बोलते हैं विकास जी। हाँ। क्या बोलते हैं इसको? लोटस, लोटस स्टेम का, लोटस स्टेम की सब्जी, लोटस स्टेम, कमल ककड़ी। अच्छा, कमल ककड़ी। ओके ओके, अद्भुत। वो बात करके कंफर्म करते अभी जाके लाएंगे। नहीं आएंगे वो, खोल लो ना नीचे उसका वायर, खोल लो, लटकेगा उसमें तार वार तो नहीं। लेकिन आप कोशिश कीजिए 11 से पहले आ गए तो बेस्ट। ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, बेसिकली अभी एक्वा गार्ड वाले में सीन ये हो गया कि अभी उसका डिवाइस जो है उधर का सर्किट इधर आ गया। चलो कोई बात नहीं, होता है। सो यो, सो ऑलराइट गाइस, मैंने खाना थोड़ा ज़्यादा खा लिया इसलिए इधर से ही बैठ के काम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में जाके उधर अगर सोने वाला वाइब आया तो भाई इधर तो चलो घर चले जाएंगे, सो भी जाएंगे, लेकिन उधर तो सर इधर पिछले कुछ दिन से क्या हो रहा है, 10-15 दिन से कि उस लैपटॉप को मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस आईपैड को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों को अपडेट जो है मैं ही कर रहा हूँ। मतलब विकास और शक्ति जो है थोड़ा मतलब इग्नोर मार देता है अपडेट करने वाले चीज़ को। सो नाउ इट इज़ गेटिंग, काफ़ी बड़ा अपडेट आया है विंडोज़ का, पता नहीं है व्हाट इज़ दैट, या माइंड भी पुराना अपडेट होगा जो अभी तक किया नहीं हुआ इंस्टॉल। एंड इस आईपैड में जैसे एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना, जैसे ट्यूब बडी का हो गया, वो सब चीज़ ईजिली नहीं हो पा रहा है। सो आई थिंक समथिंग इज सपोज टू बी यू नो वर्क मोर ऑन। सो iOS थम्स अप। ये क्या बोल रहा है, लीव एवरीथिंग टू अस, क्या बात है। विंडोज तो भाई लिखा ही जा रहा है मैसेज पे मैसेज, क्या अपडेट ला रहा है भाई ऐसा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसीलिए पूछ ये कुछ निकले फोन किया तो ठीक है, बट दैट्स अ फाइन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम कमिंग ऑन 5th of February। बेसिकली वी आर एट वेरी एडवांस्ड हॉस्पिटल, ऐसा मैं कहता शायद, यहाँ के डॉक्टर का टाइम का वैल्यू नहीं है। 6:30 बुला के 7 बज चुका है और यहाँ के जगह पे मच्छर काट रहे हैं, और ऐसे जगह को एडवांस हॉस्पिटल बोलते हैं। ये तो टेरिफिक है, एडवांस टेरिफिक हॉस्पिटल, एडवांस टेरिफिक हॉस्पिटल। तो विकास भाई को जो कल सांस लेने का तकलीफ, मल्टी स्पेशलिटी नहीं, मल्टी इम्यूनिटी हॉस्पिटल। तो कल विकास को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी रात में, बराबर। यस। तो फिर सुबह डॉक्टर से गए मिलने के लिए, इनको लगा कि वापस कोरोना में जो है मिलने के लिए आए, लेकिन मैंने इनको बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, कोरोना वगैरह गए तो कुछ कुछ इधर उधर नॉर्मल, क्या लिवर हो गया समथिंग समथिंग। सो हम लोग आए हुए इधर, अभी ये पूछ रहे थे कि श्रेष्ठा कब आएंगे, तो हमने बोला कि पूछ लीजिए उससे। फिर इन्होंने अपने अद्भुत से नए iOS सीरीज 6 को बोला कि ज़रा कॉल लगाइए, तो बातचीत हुई। फिर बोले कि आपको तो मालूम है कि वो 5th आएगी, हम बोले हमको मालूम ही नहीं है। तो ये सबसे मजे की बात है, श्रेष्ठा की खबर नहीं है और श्रेष्ठा को जाह्नवी की खबर नहीं है, व्हाट इज गोइंग ऑन, बस मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो कुछ झोल लग रहा है, झोल कुछ तो झोल है। ठीक है, आई वी 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 वांट सम एक्सप्लेनेशन ऑन दैट,
So when we meet, we'll discuss and we'll flush out. और उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि क्यों क्यों नहीं मालूम है आपको कि वो कब आ रही है, तो बोले हमको जानना ही नहीं. ये कैसी बात है, दिस इज टेरिफिक. और हमारे यहाँ लग रहा है कि एक अनुशासित डॉक्टर हर. So Vikas is basically sharing the some experience of today's Harley ride. Harley से ही हम लोग गए थे डॉक्टर के पास. हाँ बताइए. हाँ तो उसके बाद राइड घूमा, वो बोलते हैं कि फिर पकड़ लिया ना. मैंने बोला क्या, मैंने ऐसे जस्ट पकड़ लिया. ऐसा पिकअप घूमा था. मैंने बोला कि श्रेयस बहुत टाइम है अभी यार. 6:30 में अपॉइंटमेंट है ये. मतलब बिलीव नहीं करोगे तुम, लाइक इनिशियल का जो 1-2 किलोमीटर एक लाइक पिकअप जो लिया है ना, लाइक 1-30 seconds. और ऐसा वो डर रहा था, मैं तो कुछ दिखा ही नहीं रहा था सामने का. फिर मैंने श्रेयस को फाइनली इन्होंने बोल दिया कि भाई धीरे ही चलते हैं. फिर मैंने श्रेयस को बोला कि श्रेयस चलते हैं ना आराम से धीरे धीरे, मारते मारते क्या प्रॉब्लम है, जाना तो बिले पड़ ली है. मैं इसको समझा रहा था, तब भी इसका चल रहा था. नहीं तब तो उसके बाद तो छोड़ ही दिया, बस वो पेट्रोल पंप तक ही था ओरिजिनल. फिर गाड़ी के बीच में इधर उधर इधर उधर ऐसा घुमा रहा था ना. और मैं ना कभी कभी ऐसा पिकअप कर रहा ना, मैं पीछे घूमने वाला था. ठीक है और गाड़ी मतलब क्या बाइक है, मतलब इतना स्टेबल, मतलब बिल्कुल तुमको फील ही नहीं होगा कि स्किप कर जाओगी इस जगह में. मतलब तुम वो साला, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो क्या बोलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल भाई, बहुत ही कंफर्टेबल. और आते वक्त जो गूगल मैप का कहानी हुआ वो तो बता दो प्लीज. हाँ, आते वक्त श्रेयस ने राइडर से रावण बन गए. ठीक है फिर क्या हुआ, फिर गूगल मैप देखा रहे थे 47 minutes. तो फिर श्रेयस की लाइक पूरा सिग्नल विंगल तोड़ ओढ़ के हम लोग आ गए शायद 25 मिनट्स पे लोगों की ऊपर से गाड़ी की इधर से गाड़ी के नीचे से गूगल वाला जो उसका रहेगा ना, बोलेगा कि साला ये बंदा कहाँ से गया है, उधर रास्ता फिर पता है उधर मैंने सैटेलाइट से पकड़ने की कोशिश कर रहा, ये तो बात किया ऐसा लग गया. तो हम लोग कितना 20 मिनट 20 मिनट. बाप आदिति के साथ मतलब ऐसा मैं चलाऊंगा क्या, मतलब यू हैव व्हाट इज दिस अनबिलीवेबल. तो ये था सफर विकास और हमारा आज का. तो रजाई से याद है हमारे नानी घर में अद्भुत तरीके का, इतना मोटा नाना जी जो है रजाई बनवाते हैं. आई थिंक हमें नाना जी से बात करके, अभी नाना जी ऐसे भी घर में ही है, श्रेष्ठा भी है, श्रेष्ठा अपने माथा पे लेकर रजाई आ रहे हैं. लेकिन श्रेष्ठा के आते आते मतलब ऐसा ना हो कि साला हमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग जाए. अरे बाबा ऐसे है नहीं कि नहीं है नहीं है, ऐसे कैसे होंगे यहाँ है. व्हाट इज दिस सर, व्हाट इज दिस, यू वोंट बिलीव. सी द टेम्परेचर इज 21 degrees Celsius नाउ, थोड़ी देर पहले 20 था और सुबह सुबह जो है पता नहीं कितना था. और क्योंकि हमारा सुबह 3 बजे ही होता है जैसा कि आप जानते हैं, तो ऐसा कुछ तो भाई सीन चल दे रही है. बाबा नहीं है करनी नहीं हो. ओके सो यस गाइस, दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. सो दिस इज 26th of January, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू गाइस. ट्यूजडे इट इज 7:14 AM और द टेम्परेचर इज 21 degrees Celsius. तब तक के लिए keep spreading love and happiness, ignore negativity, accept positivity, be thankful to almighty for whatever you have in your life, have a dream, keep on chasing it, keep on questioning yourself ki jo kuch bhi aapko aapki zindagi mein chahiye kya aap usko sach mein paane ke liye dil se mehnat kar rahe hain. Yes ya no, agar nahi kar rahe to kijiye, aur agar aap kar rahe to samajh jaiye aap har roz success ki aur badh rahe hain. Jahan tak bhi aap khud ko dekhna chah rahe hain ki aap us jagah tak pahunchne ke liye assess mein deserving hai, keep on questioning this question to yourself, because this question will show you your existence and it will also motivate you to work more hard. To agar aap deserving nahi hai to work hard like a lantern, it to that deserving person, trust me the day you'll be turning a deserving person. God
will truly give you whatever you will be deserving for, क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जब सच में डिजर्व करते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना, मेहनत करना, खुशियां बांटना, प्यार बांटना, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, जितना हो सके लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए। जिंदगी काफी छोटी है, यू नो, यू मस्ट अपग्रेड योर थॉट प्रोसेस। आपका पुराना सोच तो जरूर से जरूर बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज भी कल की तरीके से जिएंगे तो आपका आने वाला कल भी बीते हुए कल के तरह ही होगा। सो यू मस्ट अपग्रेड योर इनर सॉफ्टवेयर लाइक योर फोन, एंड यू मस्ट यू नो किल योर ऑल द विकार्स। तो इसका दैट वाज ऑल, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इन हैशटैग श्रेया शांडिल्या लाइव। टाटा, एंड बस के बारे बस कह रहे बाबा। बाय द वे, दिस GoPro Max इज परफॉर्मिंग गुड। आई होप आपको कैमरा क्वालिटी इसका अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने माइक के बिना ही मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, माइक हो जाने के बाद ऑडियो जो है और भी क्रिस्प हो जाएगा। ये बाबा अपना एडेप्टर को जो है अभी 2-2.5 साल हो गया। श्रेष्ठा ने मुझे एक बात सही बोला कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले, कि जिस चीज़ को 6 महीने तक आप रख देते हो उसको यूज ही नहीं कर पाते हो। मतलब वो नहीं, हालांकि ये बात टेक्निकली गलत है। मैं रोड का माइक तो यूज़ कर रहा हूँ, लेदर ईयर माइक, उसको अपना गेम खेलने में, लेकिन ऐसा कैसे रे बाबा इसका माइक नहीं लगा पाया। बट दिस कैमरा इज़ गुड। इसमें क्या है, द बेस्ट थिंग इसकी 360 डिग्री मैं शूट कर सकता हूँ। सो शुड आई गो फॉर हीरो 9 या शुड आई गो फॉर दिस स्टफ। I'm so thankful to Kamal Imagine for giving me this, you know, because he knows I am a vlogger. So, you know, vlogger होने का फायदा जो है अभी से ही शुरू हो, you know, हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कंपनी आपको, you know, इस तरीके से अपना कैमरा यूज़ और एक्सप्लोर करने देता है। वाह, क्या बात है, अद्भुत अनुभूति। और ये तो बस शुरुआत है, यू नो, आने वाले समय में जितने भी गैजेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, ये सब मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। दिस इज़ माई टारगेट ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स मैक्स। ये सब कंपनी हमें गिफ्ट किया करेंगे और कहेंगे कि आप इन्फ्लुएंसर है तो आपके वजह से हमारा भी थोड़ा, यू नो, चीज़ें भी क्या। यस, दिस इज़ नॉन एज होल्डिंग द विजन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोले बोलिए, हर हर महादेव बोलिए। अरे हाँ हाँ, आप ही को बोल रहे हैं भाई। अरे बोलिए तो सही। अरे हाँ जी, बोल नहीं पा रहे हैं। एक काम कीजिए, कमेंट कीजिए, हर हर महादेव, लेट्स सी हाउ मेनी महादेव भक्त्स आर हियर। बाके रहेंगे उस मंजिल को हर हाल में, जब तक है जाम बड़।